गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम ये कहना चाहते हैं कि किस कलर का धागा बांध सकते हैं? श्रेष्ठ पीला है, सबसे रक्षाबंधन में श्रेष्ठ पीला है। देखो, भाई के घर में शांति नहीं हो तो सफ़ेद धागा बांधो। क्या बांधना? सफ़ेद। भाई के घर में शांति, रक्षा का वच पूछ रहे हो ना, रक्षा का डोरे का रंग पूछ रहे हैं। भाई के घर में शांति नहीं हो तो बहन को सफ़ेद डोरा भाई के हाथ में बांधना चाहिए, या सफ़ेद राखी, सफ़ेद डोरे वाली राखी। भाई को कोई रोग हो कोई प्रकार का तो लाल राखी बांधनी चाहिए। भाई के घर में गरीबी है तो पीला बांधना चाहिए। भाई को ज्ञान कम है, परिवार में कोई ना कोई अज्ञानता के कारण तकलीफ आ रही है, बुद्धिमंद है तो हरा डोरा बांधना चाहिए। उनके शत्रु बहुत हैं या कोई प्रकार का परेशानी है, शत्रु भय है, घबराहट है तो नीला डोरा, ब्लू कलर का डोरा बांधना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो तुरंत भाई के घर में शुभ हो जाता है। और गुरुदेव, किस मतलब रेशमी बांधना चाहिए या सूती? रेशमी बांधना तो शुद्ध जरी का बांधना पड़ता है। अभी जो रेशमी बोलते हैं वो 90% रेशमी नहीं है, झूठा है, प्योर सिल्क है तो बहुत ही फायदा है। बांधते ही नाड़ी में विद्युत शक्ति प्रवेश करती है। जरी की साड़ियां 2 लाख रुपए से कम की असली जरी की साड़ी नहीं मिल सकती, लेकिन आज 5-10 हज़ार में सिल्क की साड़ियां मिल रही है, चावे जितनी साड़ियां, वो कौन सी जरी होगी? तो असली जरी का डोरा अगर भाई के कलाई में कोई बांधती है, क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज ऐसे हैं जो आग निकालते हैं, आपको पता हो, एक तो प्रभु की प्रतिमा का पत्थर, पत्थर को ऐसे रगड़ो, 2 पत्थर रगड़ो, अंदर से आग निकलेगा। पत्थर में आग होने से, वो प्राण युक्त होने से ही हम पत्थरों की प्रतिमा बना के पूजा करते हैं। पत्थरों की पूजा क्यों करते हैं? उसके अंदर आग छुपा है, वो आग प्राण है, उसमें मंत्र शक्ति से प्राण डाल दो तो वो आग जीवित होकर उन देवताओं को निवास कराता है, इसलिए पत्थरों की पूजा। दूसरी चीज स्फटिक मणि। कौन सी मणि? स्फटिक असली है या नकली? कई लोग स्फटिक माला पहनना चाहते हैं। अगर स्फटिक असली है या नकली देखनी हो, अंधेरे में जाके 2 स्फटिक मणि को रगड़ो और चिंगारी निकले तो ही वो असली है, उसमें भी आग निकलता है। और ये रेशमी डोरा, रेशमी वस्त्र को अब ऐसे रगड़ोगे तो आग निकलेगा उसमें से, जिसमें से आग निकलता है वो चैतन्य प्राण है। अगर भाई के कलाई में शुद्ध रेशमी डोरा, मैंने बोला जैसे शांति के लिए सफ़ेद, रोग निवारण और शक्ति के लिए लाल, धन के लिए पीला, ज्ञान के लिए हरा और शत्रु भय अन्य भय से निवृत्ति के लिए नीला रंग का अगर राखी ले जाके बांधते हो, अगले साल तक भाई आपको बहुत तारीफ करके बोलेगा कि तूने राखी बांधी। आप बोल के आओ कि इस बार मैंने राखी बांधी, तू देखना कमाल, तेरा सब कष्ट मिट जाएगा। ऐसे बोल के राखी बांध के आइए, कल्याण होगा।